देखो कुलसुम, मेरा मशवरा तो यही है कि जवान बच्चा है, जिद ना करो तो बेहतर। हारून, मैं जिद कहाँ कर रही हूँ, जिद तो वो कर रहा है। आप खुद ही बताएं, मैं किसी की बीवी को अपने घर की बहू कैसे बना लूं? जानती हूँ, माँ हूँ, मोहब्बत भी बहुत करती हूँ। अब तो अकेली हूँ, जाती भी चला गया और स्ट्रेंथ भी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी घर की इज्जत, अपना बिजनेस किसी कमजोर आशिक के हवाले कर दूं। नहीं, अगर सुधरता है तो सब कुछ उसका है, अगर नहीं तो अपने फैसलों को निभाना सीखे। सब कुछ उसी को मिलेगा जो उसकी इज्जत रखेगा। एक बार फिर सोच लो कुलसुम, जवान खून कुछ भी कर सकता है। रो चुकी हूं मैं, उसके अफेयर ने मुझे और सादिक को खून के आंसू रुलाया, एक दिन भी सुकून का नहीं मिला। सबर कर लिया मैंने बस। तो मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही? हारून, मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक वो खुद इस शादी के लिए नहीं कहेगा, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ नहीं मांगूंगी। वो तो कभी भी नहीं कहेगी। तो फिर मैं भी वो नहीं कहूंगी जो वो सुनना चाहता है। लो बेटा। जी जी मैम। अरे दिलनशीन, आओ बेटा, तुम्हारे भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक। तुमने बताया नहीं कि आंटी की तबीयत खराब? अरे बेटा, अब तो मैं अच्छी हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस इसीलिए नहीं बताया। लेकिन फिर भी बताना चाहिए था तुम्हें। तो हम रिश्तेदार हैं आपके, और ये रिश्ता हमें भी बहुत अजीज है। ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा, वरना सच पूछो तो हमसे भी कुछ कोताहियां हो गई। अरे बाज कोताहियां इंसानों का हक होती हैं, और यह हक मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं कि जब कभी भी आपको मेरी बहन से कोई शिकायत हो, आप सिर्फ मुझे बताइएगा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर आप देखिएगा कैसे सीधा करता हूं इसे। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, लाखों में एक। जिस तरह सारा और हैदर मेरे बच्चे हैं, इसी तरह ये भी मेरे लिए। अल्लाह खुश रखे इसे। सुन रही हो दिलनशी, कितना प्यार करती हैं आंटी तुमसे। एक बात याद रखना, इसी घर में तुमने जीना है और इसी घर से तुमने मर के निकलना है। आंटी इजाजत, बस आप लोगों की याद आ रही थी तो आ गया इस तरफ अचानक। मगर इतनी जल्दी भी क्या है, खाना खा के जाना। इंशाल्लाह अगली बार। चल जैसे तुम्हारी खुशी, जाओ बेटा भाई को गाड़ी तक छोड़ कर आओ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया तुम्हारा। बात सुनो दिलनशी, मुझे आज ही पता चला है रिदा के आने का। एक बात याद रखना, अगर तुमने उस लड़के के साथ ताल्लुकात बनाए, मुझ पर यह साबित हो गया तो मैं तुम्हें मारकर खुद जेल चला जाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि हैदर के साथ निभाने की कोशिश करो, समझी?